सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का कांठल क्षेत्र की पावन भूमि प्रतापगढ़ राजस्थान से। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और कुछ इस प्रकार सुबह सुबह का मौसम है और अभी नरेंद्र भी हमारे कुछ लाइट का जो काम बाकी था वो करने के लिए आ गया है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गेट हमारा नहीं बना हुआ था, लेकिन अभी सुरेश भाई एक दिन आए थे रात में लेट तक, उन्होंने बना के फिट करके दोनों गेट, एक नीचे का और एक ऊपर का। और अभी नयन कुछ काम कर रहा है, अपना लाइट गेट बनाया था अपने सुरेश जी भाई साहब ने, सिंपल ही बनाया, ज़्यादा कुछ जिसमें डिजाइन वगैरह नहीं लगाई है। पाइप पे और इधर चद्दर है और एक फूल यहाँ पर लगाया, एक वहाँ पर लगाया, और यहाँ पर ऊपर लाइट भी नहीं थी तो नरेंद्र भाई लगे हैं, सुबह सुबह आ गए हमें लाइट सही करने के लिए। इस वाले छत पे भी लाइट रह जाएगी रात में और एक बल्ब यहाँ पर लगाएंगे तो इस वाले छत पे भी लाइट रह जाएगी। सर्दी में, सर्दी के समय में हम मक्की की जो रोटी है वो चूल्हे पे बनाते हैं तो ऊपर लाइट चाहिए होती है, इसलिए हम लाइट यहाँ तक ला रहे हैं तो ऊपर भी छत पे लाइट रहेगी। और पानी की टंकी में भी हमें वाटर वेल लगानी है तो दोनों काम हो जाएगा हमारे। आज हमारे रिद्धि भाई साहब का जन्मदिन भी है, आपका जन्मदिन है ना आज, हैप्पी बर्थडे आपका। अच्छा कल यू का हैप्पी बर्थडे था ना स्कूल में, आज आपका है तो क्या ले जाओगे स्कूल में बच्चे अपने दोस्तों के लिए? चॉकलेट, लड्डू भी, लड्डू पूरा लड्डू नहीं लाऊंगी। आज रिद्धि को 4 साल पूरे हो गए ना, 5 साल, आज से 5वां साल लग गया इसको। 12 अगस्त 2019 का इसका जन्मदिन है और एक युग एक दिन इससे बड़ा है तो आज से 5वां साल रिद्धि को लग गया है। तो अभी लोकेल हम दोनों बैठे हैं, थोड़ी देर बाद इस गेट पे कलर करना है तो कलर भी कर देंगे गेट पर, अस्तर लगाना है। और कल हमारे गांव में उज्जैनी रखी गई है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनके लड्डू का भोग लगाना है तो हो सकता है कल मैं फरड़ी भी जाना है मेरे को, कहाँ से कांवड़ यात्रा गौतमेश्वर तक रहेगी तो देखते हैं। तो अभी लोकेन भाई हम दोनों मिलके थोड़ा पेंट कर देते हैं इस के, 2-3 दिनों के लगाए बाद में इसमें खींच पकड़ लेना, तो अभी तैयारी कर रहे हैं हम पेंट की। ये रेड ऑक्साइड है, मेटल प्राइमर और जंग रोधक, ये तारपी ने इसमें मिलाने का, अगर ज़्यादा गड्ढा होगा तो फिर हम तारपी मिलाएंगे। हमारे लुकन भाई कर दिया श्री गणेश, ठीक है। आधा लोकेंद्र भाई ने कर दिया, आधा पेंट अब मेरे को करना है। ये वाला पार्ट तो हमने पूरा एक भाग तो कर दिया कंप्लीट लोकल में हम दोनों मिलकर, और अभी इसके पीछे वाला पार्ट बाकी रहा है तो ये पूरा पीछे का भाग पूरा बाकी है, ये मैं अब कर देता हूँ। ये सरकारी स्कूल के बच्चे आए हैं, 15 अगस्त की तैयारी है इनके, तो ये स्कूल के आमंत्रण पत्र इस पर साइन करना है, सभी बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे हमारे सरकारी स्कूल के।
इच्छा स्कूल पढ़ते तो? ये स्कूल में नहीं। अच्छा कुछ इधर तेरे क्या नाम है? कुछ तो ये बच्चा आया इस पत्र पे साइन करवाने के लिए। आमंत्रण पत्र है राजकीय प्राथमिक विद्यालय इच्छा वाला 15 अगस्त का। तू कहाँ रहता है? मैं यहाँ रहता हूँ। कहाँ पे? स्कूल के घर के सामने। अच्छा इसमें लिख रखा है समस्या आदर दोस्तों। घर का गेट का काम तो पेंट करना अधूरा रह गया। एक गेट पेंट कर दिया। बाकी लोकन भाई से थोड़ा मैं अनुरोध मार्केट में आ गया था, थोड़ा छोटा मोटा काम था हमारे, हम दोनों साथ में आए। दोस्तों अनुरोध में है अभी, और अनुरोध में हम जब भी आते हैं तो कान्हा भाई गुजर के यहाँ से फल फूल हम लेके जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम ही ऐसा है, आपको देख के यहीं रुक जाते हैं हम। और आपकी दुकान बस स्टैंड पर ही है, घुटनेश्वर रोड पर। हमने पतंजलि की शॉप पर आए थे, हमने यहाँ से भी हमारा जो छोटा मोटा सामान था वो भी हमने ले लिया है। यहाँ पर राजपाल बना बैठते हैं, हमारे मित्र है, क्लासमेट भी है। और आपने यहाँ पर पतंजलि की दुकान खोलने के पहले आपकी दुकान अरनोद शहर में थी, बाकी अब नई आबादी में आ गई अरनोद में। दोस्तों फाइनली मैं अरनोद से घर आ गया हूँ, और अभी हम जो एक जो गेट था उस पर मैंने पेंट कर दिया, दूसरा वाला गेट जो है ये पेंट करना बाकी है। तो इस पर हम थोड़ा अभी शाम तक करेंगे या फिर कल करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा खेत पर भी जाना है, तो चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद हम निकलते हैं अपने खेतों की ओर। गाँव से खेतों की ओर निकलते हैं, तो खेतों में आजकल बड़ी बड़ी मक्का के पौधे हो गए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे गांव में रामचंद्र जी का खेत है और इनके खेत में बड़ी बड़ी मक्का हो गई। तो मक्का अभी पकी नहीं है तो कच्ची, लेकिन बारिश की थोड़ी कमी है तो एक महीने भर में बुट्टे लग जाएंगे। बाकी आज धूप थोड़ी तेज़ निकल गई है, सूर्य भगवान के दर्शन आज हो गए हैं। बहुत दिनों से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, और ऐसे पगडंडियाँ है हमारे खेतों पर जाने के लिए, ऐसे रास्ते होते हैं कच्चे। बाकी मैं जो जा रहा हूँ ये सीधा सीधी पगडंडी है, और जो ट्रैक्टर और बाइक की जो रास्ता है वो सड़क वाले मार्ग से हम जाते हैं। शाम की 6 बज गई है, और मैंने भैंस को भी घर के अंदर बांध दिया है, और हो सकता है कल हम सभी घर वाले मिलकर इस वाले खेत पर आएंगे, क्योंकि कल हमारे गांव वालों ने मिलकर उज्जैनी रखी है, मतलब इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दाल बाटी और लड्डू का भोग लगाएंगे, जिससे हमारे यहाँ बारिश की कामना करेंगे। बहुत दिनों से हमारे आसपास एरिया में बारिश नहीं हो रही, जिससे हमारी खेतों में जो फसलें हैं वो सूख रही है। तो हमारे सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उज्जैनी रखी है, तो हम सभी मिलकर कल खेतों में अपने अपने खेत पर दाल बाटी चूरमे का इंद्र देवताओं को भोग लगाएंगे। तो हो सकता है कल वाला प्रोग्राम हम इसी कुएं पर रखें। खेत पर आते हैं तो इस प्रकार का हमें कच्चा रास्ता मिलता है, और हमारे खेतों पर आने के लिए जो ये एक बीच में नाला आता है, यहाँ पर 2-3 साल से आधा जो पुलिया बना रखी थी तो टूट के नीचे पानी के साथ बह गई, और आधे पाइप के ऊपर से जो पत्थर थे वो बह के चले गए, और यहाँ पर हम ट्रैक्टर लेके बहुत मुश्किल से निकलते हैं। रास्ते से कम 100 किसान जुड़े हुए हैं, 100 किसानों के रास्ते का रास्ता है ये। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।